दोस्तों आज के वीडियो का टाइटल है जियो से एयरटेल में कैसे आ सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हो सकता है 2023 में। यदि आपके फ़ोन में जियो सिम कार्ड लगा है तो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, वीडियो को अंत तक देख कर जाइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। यदि जियो फोन सिम कार्ड में लगा है तो ये सिम कार्ड 90 दिन पुराना होना चाहिए। ट्राई का अपडेट है यानी कंपनी का रूल है कि जो भी आपके पास सिम कार्ड लगा है वो सिम कार्ड 90 दिन तक यूज होने के बाद ही आप अलग कंपनी में जा सकते हैं। अब ये सिम कार्ड आपका 90 दिन का लगा है और इसमें रिचार्ज भी होना चाहिए 90 दिन से ऊपर का। यदि मैं आपको ये टिप्स बताऊंगा कि यदि रिचार्ज नहीं है फिर भी आपका मन है जियो से एयरटेल में आने के लिए, तो इसमें सबसे सस्ता 119 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा। यदि बटन का फ़ोन आप में है तो उसमें 75 रुपये कराना पड़ेगा। यदि आपको मैं टिप्स बताऊंगा कि यदि आप में रिचार्ज है या कोई करा रखे हैं तो करा कर उसे 5 से 4 दिन पहले ही आप पोर्ट कराने की कोशिश करिए, जिससे आपका रिचार्ज प्लान भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब बात आती है, आप जाते हैं किसी भी कैंप वाले के पास या दुकान वाले के पास तो वो एयरटेल का आपको सिम कार्ड दे देता है, इस पर 5G लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है। दोस्तों एयरटेल का सिम कार्ड आपका पोर्ट कर देगा। ये सिम कार्ड किसके आधार कार्ड पर आपके फैमिली के है मायने नहीं है, आपके फैमिली का है तो आप अपना आधार कार्ड देकर पोर्ट करा सकते हैं। पोर्ट कराने का प्रोसेस ये होता है कि नंबर सेम रहता है और कंपनी चेंज हो जाती है। अब आपका जियो से एयरटेल हो गया, आधार कार्ड लगा, पोर्ट किया, आपको एयरटेल सिम कार्ड दे दिया पैकेट का। अब वो आपसे बोलेगा कि ये 3 दिन बाद चालू होगा, लेकिन चालू होने में आपको बहुत सारे टेंशन्स होंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि इतवार को काउंट नहीं होता है और जिस दिन पोर्ट होता है उस दिन काउंट नहीं होता है। 3 दिन सिम पोर्ट होने में लगता है, इतवार आता है तो 4 दिन भी लग सकता है, रात में आपका सिम कार्ड पोर्ट हो जाएगा और जब ये नेटवर्क आपका जियो का चला जाएगा तभी आप इस सिम कार्ड को यूज करिएगा, आपका 1 मिनट का भी गैप नहीं होगा। जैसे ही इसका नेटवर्क बंद होगा वैसे ही एयरटेल सिम चालू हो जाएगा। अब चालू होने के बाद, नेटवर्क आने के बाद आपको करना क्या है, 5959 पे कॉल कर वेरिफिकेशंस करना है। जब आप वेरीफाई सिम कार्ड को कर लेते हैं तो ये सिम कार्ड आपका एक्टिवेट हो जाता है, चालू हो जाता है। अब बात आती है इसमें रिचार्ज का, यदि कैंप वाला या दुकान वाला आपका किया है, ऑफर के तहत किया है, फ्री पोर्ट किया है, तो उसमें यदि रिचार्ज नहीं डालता है तो आप उससे संपर्क करिए, क्योंकि वो आप में 299 का रिचार्ज डालेगा जो फर्स्ट रिचार्ज या फारसी होती है पोर्ट का। उसमें आपको 1.5 GB डाटा डेली, अनलिमिटेड कॉल, 28 दिन की वैलिडिटी, 100 SMS पर डे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस एयरटेल सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं तो उससे संपर्क करना पड़ेगा, वरना पेड MNP करेगा तो तुरंत ही रिचार्ज आपको मिल जाएगा। 5 रुपये का रिचार्ज मिलता है फर्स्ट टाइम में 1 दिन की वैलिडिटी के साथ, तो उसे आप देखिएगा तो उसे इग्नोर कर तुरंत ही रिचार्ज करवाने की कोशिश करिएगा, वरना आपको घाटा हो सकता है। अब बात आती है कि आपका बैंक में लिंक है ये नंबर, फ़ोनपे UPI में लिंक है तो क्या होगा। दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 24 घंटे के लिए SMS आपका बंद रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना, केवल 24 घंटे के लिए बंद रहेगा, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, नंबर सेम, और 24 घंटे बाद आपका इनकमिंग आउटगोइंग SMS भी चालू हो जाएगा, कोई भी आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। अब इस कंपनी का रिचार्ज प्लान आप आ गए हैं तो जान जाइए, 239 का ऑफर रहता है तो 1.5 GB वाला प्लान आपको मिल जाएगा, 209 रुपये का मिल जाएगा आपको 1 GB वाला प्लान यदि ऑफर है तो, वरना 299 का भी इसमें रिचार्ज प्लान कराना पड़ सकता है। 209 के नीचे का कोई भी डाटा वाला प्लान आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसा रूल है। तो आप यदि चाहते हैं आना तो आ सकते हैं, आप पे बिल्कुल निर्भर है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और ऑफ़र आपका बिल्कुल फ्री है कैंप वाले से, दुकान वाले 50 रुपये लेते हैं तो आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।